हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, ये जो मामला सामने आया ये हरियाणा प्रदेश के सिरसा के शहर कलवाली का है। यहाँ एक सांड ने 3 तोला सोना निगल लिया और सोना निगले उसे लगभग 6 दिन हो गए हैं, जहाँ सोना मालिक बीते 6 दिन से उसकी जबरदस्त तरीके से खातिरदारी कर रहे हैं। खातिरदारी इसलिए जोरों से की जा रही है कि सांड जल्दी जल्दी गोबर करे और उसके गोबर के माध्यम से उसके पेट में पहुंचा सोना बाहर निकल आए। लेकिन सांड है कि सोना देने को राजी ही नहीं है। हालांकि सांड गोबर तो कर रहा है, लेकिन उस गोबर के साथ वह सोना नहीं निकाल रहा है। दरअसल उस महिला ने 3 तोले सोने के आभूषण गलती से सब्जी के छिलकों के साथ कूड़े में फेंक दिए और इन सोने के गहनों को एक आवारा सांड ने निगल लिया। अब इन गहनों को सांड के पेट से निकलवाने की जद्दोजहद जारी है। बाजार के हिसाब से देखें तो भी 3 तोला यानी 30 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,18,000 रुपए है। और महिला को जब पता चला कि उसने भूलवश सब्जी के छिलकों के साथ सोने के गहनों को भी बाहर फेंक दिया तो वे व्याकुल हो उठी। और घर वालों को जब उसने इस बारे में बताया तो घर वाले भी हैरान हो गए। और गनीमत ये रही कि महिला ने जहां सब्जी के छिलकों को फेंका था वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। और वहीं सीसीटीवी कैमरा जब खंगाला गया तो पता चला कि गहनों को एक आवारा सांड ने छिलकों समेत निगल लिया है। और इसके बाद उस महिला के परिजनों ने आवारा सांड की पहचान की। कड़ी मशक्कत से उसे पकड़कर खाली प्लॉट में बांधा गया और अब उसकी खूब खातिरदारी की जा रही है। परिजनों की ओर से आवारा सांड को हरा चारा और अन्य खाद्य सामग्री खिलाकर गोबर के माध्यम से सोना निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सांड गोबर के माध्यम से सोना नहीं निकाल रहा है। और वहीं जब परिजनों ने डॉक्टरों को बुलवाया तो सोना निकालने का अन्य विकल्प ऑपरेशन बताया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन से सांड की जान को खतरा भी हो सकता है। और जिसके बाद परिजनों का कहना है कि अगर सोना नहीं निकलता है तो वे दूसरे विकल्प का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि वे सोने के लिए किसी पशु की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। गाइस, ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।